अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। दिस इज असम। तो भाई इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ नॉर्थ आजाबाद में इब्ने बतूता पे, और भाई इन्होंने अपनी ज़बरदस्ती जो है वो हाइटी लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर 50 प्लस डिशेज हैं। तो भाई इसकी प्राइस मालूम करते हैं, कौन कौन से ये आइटम दे रहे हैं, क्या टेस्ट है, लोगों का भी रिव्यू लेते हैं। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे साथ। मेरे साथ मौजूद है राजिम भाई, जरा इनसे मालूम करते हैं यार यहाँ पर कितने आइटम्स हैं, कब से स्टार्ट किया है सेटअप और कितने रुपए का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताइए भाई, यहाँ पर कितने आइटम्स हैं आपके पास? हमारे पास टोटल 50 प्लस आइटम्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर चाइनीज, पाकिस्तानी, ट्रेडिशनल सब है, तो आप देख लेंगे। और आज से हमने स्टार्ट किया इसे, जो सिंगल स्लॉट है। ठीक है, और ये जो लिमिटेड टाइम ऑफर है, रेट के हवाले से आपको बताते चलूँ, 1299 का अडल्ट्स पर हेड है और 999 का किड्स है। अच्छा माशाल्लाह, 4 साल से लेकर 8 साल तक। जबरदस्त जी। और इसकी टाइमिंग्स क्या है? इसके अंदर जो टैक्स है वो इंक्लूड है। ठीक है, में कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्स इंक्लूड है। ये नॉर्थ नाजमाबाद या इस एरिया के जितने भी कराची वालों के एक स्पेशल ऑफर है। पूरे कराची में आपको इस तरह का हाईटी नहीं मिलेगा, ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे जितना भी आप फायदा उठा सकते हैं कराची वाले खासकर, वो उठाएं। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये किसी वक्त भी हम चेंज कर सकते हैं। और अभी सिंगल स्लॉट है, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, संडे एंड सैटरडे एंड संडे। अच्छा, सिर्फ 2 दिन होगा ये? सिर्फ 2 दिन होगा। और इसके आगे, इसके बाद आगे जाके हम इसे डबल स्लॉट करेंगे, ट्रिपल करेंगे, उस सिचुएशन को देख के फिर उसको। ठीक है, जबरदस्त। तो हमें आइटम्स दिखा रहे हैं कि क्या क्या आइटम्स हैं आपके पास जरा। अच्छा, ये सारे सैलेड्स बनाए हुए, ये बेसिकली देसी टाइप वाला जो सैलेड्स होते हैं, ये वो सैलेड्स हैं। और क्या है भाई इसके अलावा? हमारे पास रशियन सैलेड भी है, सब मिक्स है। जबरदस्त। ये मिनी समोसा है भाई, ये समोसे हैं, आप चेक करें जरा, मिनी समोसा। ये है किस चीज के समोसे? ये वेजिटेबल्स के होते हैं, वेजिटेबल्स के समोसे हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग रोल्स हैं, ये स्प्रिंग रोल्स हैं, जरा दिखाएंगे भाई स्प्रिंग रोल्स। ये देखें भाई माशाल्लाह से, ये चेक करें यार, जबरदस्त। ये इसके साथ ये सॉसेज हैं, ये सॉसेज जो है वो सारी सॉस है, ये मायो गार्लिक सॉस है, जबरदस्त। इसके अलावा ये सॉस है, और ये चटनी रोल है। अच्छा, चटनी रोल जो बारबेक्यू रोल बेसिकली कहलाता है, बारबेक्यू रोल जो बेसिकली कहलाया जाता है वो ये। उसके अलावा केचप आ गई मेरे ख्याल से, केचप ही है ना ये? जी केचप है, बिल्कुल सही है। मैंने सैंडविच, अच्छा भाई ये सैंडविचेस हैं, आप चेक करें माशाल्लाह जी। अच्छा यार मछली भी रखी है भाई, आप लोग हाईटी के अंदर जो ना मछली भी खा सकते हैं। ये फ्राइड फिश है, ये हमारे पास दो ऑप्शन है, डायनामाइट प्राउन टेम्पुरा और फ्राइड फिश है। अच्छा, हमने फिश रखी हुई है। अच्छा, वो बेसिकली मेन्यू के हिसाब से चेंज होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, जबरदस्त। सी फूड में हमारे पास दो आइटम है माशाल्लाह। अच्छा हाईटी के अंदर यार आपको गोलगप्पे, चाट और दही बड़े ना हो ना तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता, मजा नहीं आएगा वो सारी चीजें। ये अच्छा, ये आलू किस चीज के हैं? मकसद उसके ऊपर खट्टे आलू डालने के लिए? आलू होते हैं। हाय 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 भाई, आजकल जो है ना मुहर्रम का जमाना है, तो हलीम भी आप देख सकते हैं यार, ये बड़ी जबरदस्त डेग है, छोटी सी। ये कितने किलो की डेग होगी? 1 किलो, 2 किलो? नहीं, तकरीबन 4-5 किलो। नहीं, 4-5 किलो की तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, मेरे ख्याल से 2-2.5 किलो की, 2-2.5 किलो तक की होगी। 2-2.5 किलो की डेग है जरा यार, हलीम भी आपको जरा माशाल्लाह यार, बड़ी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है, आप जरा चेक करें ना। हाय 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 माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, जबरदस्त। और क्या है भाई इसके अलावा? ये अच्छा जी, ये क्या है भाई? पेनी अल्फ्रेडो पास्ता। हाय 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 भाई, फुल चीजी हुआ हुआ है ये माशाल्लाह से, जबरदस्त। ये आ गए भाई टिक्के, विंग्स विंग्स हैं ये, माशाल्लाह। टिक्का भी आप कह सकते हैं हम लोग, जबरदस्त भाई। ये चेक करें, खुशबू बड़ी जबरदस्त जबरदस्त ही आ रही है, उनके सारे आइटम्स जो है ना इस टाइम पे फ्रेश हैं, तो बहुत जबरदस्त सी खुशबू आ रही है भाई, बिल्कुल। अच्छा ये क्या है? कबाब है, अदाना कबाब है, अदाना कबाब है। ये इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ग्रीन चिली होती है, बीफ का ही होता है? नहीं, ये चिकन के, चिकन के होते हैं, टर्किश स्पेशल टर्किश मसाला होता है माशाल्लाह, इंपोर्टेड मसाला होता है, और टर्किश इंपोर्टेड मसाला अदाना कबाब इसलिए इसको कहते हैं। आप टेस्ट करें, इसको बहुत आपको अच्छा लगेगा माशाल्लाह। ये बीफ गोला कबाब है, ये गोला कबाब आ गए भाई माशाल्लाह। अच्छा यार हाईटी के अंदर भी हो ना थोड़ा सा आधा सेटअप आपको खाने का भी मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
अच्छा जी, ये आगे चाइनीज ना, ये चाइनीज, ये शाखले का आ गया है, ये शेजवान चिकन है। अच्छा, शेजवान चिकन है ये, बिल्कुल माशाल्लाह। और इस ये गार्लिक चिकन है, ये आ गई भाई गार्लिक चिकन, आ गई गार्लिक चिकन है व्हाइट सॉस में। जो लोग रेड सॉस में पसंद करते हैं तो ये जो व्हाइट सॉस में पसंद करते हैं वो ये खा सकते हैं। चाइनीज में ये दो ऑप्शन है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये आ गया है, ओए होए 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 भाई, चावल की रंगत चेक करें, खिले खिले सारे चावल हैं, बिल्कुल फ्रेश, वाह जी वाह। अच्छा जी, ये देसी जिसने खाना है ना वो तरकारी है, जैसे लोग हाईटी में भी खाते हैं, नाश्ते में भी हम लोग बहुत ज्यादा शौक से पाकिस्तानी खाते हैं चना, जो चना तरकारी है, ये आलू तरकारी है, ये आलू तरकारी आ गई भाई, आलू तरकारी आ गई है, हाय 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 माशाल्लाह। और ये क्या है भाई, ये चाउमीन है, चिकन चाउमीन आ गए हैं भाई माशाल्लाह, चाउमीन आ गई है चाइनीज, हाय 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 माशाल्लाह। और आखिर में जो ना बच्चों का आइटम रखा हुआ है यहाँ पे उन्होंने, फ्रेंच फ्राइज, तो बच्चे जो ना इस चीज को बेसिकली पसंद करते हैं, चीजें करते हैं। ये कचौड़ी आ गई है, कचौरी दिया है, बिल्कुल फ्रेश ताजा, और ये पूरी पराठे आ गए। अच्छा जी, और इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपके पास? डेजर्ट बार है, डेजर्ट बार है, वो बेसिकली अभी रेडी हो रहा है, तो जैसे ही वो रेडी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम रिव्यूज देते हैं यार, हमने अभी देखे जबरदस्त आइटम्स मंगवाए हैं चाइनीज के अंदर। सबसे पहले यार शेजवान जरा ट्राई करते हैं इसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यार बहुत जबरदस्त का टेस्ट है, जो मुझे रेड सॉस में होना बेसिकली शेजवान ज़्यादा पसंद है, बेसिकली चाइनीज मुझे रेड सॉस में ज़्यादा पसंद है, वाइट सॉस में भी ट्राई करते हैं ज़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, वाइट सॉस बेसिकली मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इतना आपको बता नहीं सकता यार ये, बट ये है बहुत अच्छा है, बेहतर है, लेकिन वाइट सॉस, रेड सॉस में बेसिकली ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी चाउमीन का ज़रा ट्राई करते हैं, ये देखें ज़रा चाउमीन, नहीं यार चाउमीन में वो मज़ा नहीं है जो मैंने दूसरी जगहों पे, अच्छी जगहों पे खाया है, वो वाला लेवल जो है ना, उस वो वाला टेस्ट नहीं है इसका। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है अल्फ्रेडो पास्ता, ये देखें यार माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त सा चीज़ी सा हो रहा है ये। यार ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। अच्छा जी, आइटम जितने सारे हैं ना, तो मैं आपको शायद सारों का रिव्यू ना दे पाऊँ। अच्छा, साथ ही साथ जो ना एक गोला कबाब है, ये खैर अभी ठंडा हो गया है, ये देखें माशाल्लाह, यार अच्छा टेस्ट है। ये इनका आ गया दाना कबाब, ये चिकन कबाब होता है बेसिकली, दाना कबाब इनका। अच्छा, दाना कबाब का टेस्ट बेसिकली ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत गोला कबाब के। और ये है इनकी चिकन विंग्स, नहीं यार मज़ेदार नहीं है, सही है बस नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अच्छा जी, साथ ही साथ आ गए भाई ये हाईटी के अंदर, अगर ये चीज़ें ना हो तो मज़ा ही नहीं है। ये आ गए भाई इनके समोसे, बहुत वीआईपी है भाई, ये आ गया भाई इनका, क्या रिव्यू देने का क्या फायदा, बाहर से मिलता है। फिश चेक करते हैं जरा इनकी, नहीं यार दम नहीं है इसमें, यार जरा इनके खट्टे आलू चेक करते हैं, इन्होंने कहा है कि खट्टे आलू हैं इनके, नहीं यार खट्टे आलू बेसिकली सिर्फ आलू हैं ये, खट्टे आलू नहीं है ये, अगर कहते हैं कि खट्टे आलू हैं ये, नहीं ये भाई आ गए इनके गोल गप्पे, ये चेक करें, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि हर रेस्टोरेंट में सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, कुछ चीज़ें एवरेज होती हैं,
तो यहाँ पर भी ना बेसिकली मिला जुला रुझान है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ एवरेज हैं और कुछ थोड़ी सी बिलो द एवरेज है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं चीज़ों की बात करूँ तो बड़ा ज़बरदस्त एम्बियांस है, 50+ डिशेज हैं, और भाई जो प्राइस है ना वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो फौरन से पहले आए यहाँ पर और इसको ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।